हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुमित राणा। बेटा, हम लोग बॉटनी के फर्स्ट पेपर की यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वायरोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अच्छा, इसमें कुछ और पॉइंट रह गए हमारे वायरस से रिलेटेड, जिसको मैं समझना, लाइक जनरल करेक्टर ऑफ वायरस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम व्यू से। और काफ़ी कुछ पूछा जाता है कि भैया बताइए वायरस के जनरल करेक्टर क्या हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, पहला करेक्टर यहाँ पर अगर हम लोग समझें तो यहाँ पर लिखा है वायरस माइन्यूट स्ट्रक्चर, पैथोजेनिक एंड न्यूक्लियो प्रोटीन के बने पार्टिकल होते हैं। यानी कि जो वायरसेस होते हैं ये बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं। पैथोजेनिक कहने का मतलब होता है कि ये किसी को रोग देने में बहुत आसान है, या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। एंड न्यूक्लियो प्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड भी रहता है इसमें, और प्रोटीन भी पाया जाता है, और उसी के क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक है ना, इन्हें सिर्फ और सिर्फ किससे देखा जा सकता है भाई साहब, इन्हें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करें, तो नॉर्मली वायरस 10 मिली माइक्रॉन से 450 मिली माइक्रॉन माप वाले होते हैं। यानी कि इनका जो माप है, इनका जो साइज है, अगर हम इनके साइज की बात करें तो ये 10 मिली माइक्रॉन से 450 मिली माइक्रॉन तक के हो सकते हैं। हालांकि मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, जब मैंने इसके विषय में कायदे में पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने ये भी बताया था कि सबसे बड़ा वायरस कौन होता है और सबसे छोटा वायरस कौन होता है। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है वायरस को पास लेन बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा छानने पर फिल्ट्रेट से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि वायरसेस जो होते हैं इनको बैक्टीरियल फिल्टर से यदि हम फिल्टर करते हैं, ठीक है ना, तो जो फिल्ट्रेट होता है, जो फिल्ट्रेट हमारे पास में आता है, उसके अंदर वायरस पाए जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इसको हम बैक्टीरियल फिल्टर से छान नहीं सकते या फिल्टर नहीं कर सकते हैं। चलिए फोर पॉइंट देखिए, वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए अथवा आरएनए ही होता है, जो प्रोटीन अथवा लाइपोप्रोटीन के द्वारा प्रोटेक्टिव एनवलप से प्रोटेक्टेड रहता है। देखिए क्या कह रहा है कि वायरस जो होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होगा या तो आरएनए ही होगा। ठीक है, और ये जो डीएनए आरएनए है ये प्रोटीन या लाइपोप्रोटीन के द्वारा क्या रहता है, प्रोटेक्टिव एनवलप, दैट मींस एक कवरिंग के द्वारा ये प्रोटेक्टेड रहता है या घिरा रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, वायरस के पूरे पार्टिकल को वायरॉन कहा जाता है। यानी कि जो एक वायरस का पार्टिकल होता है इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वायरॉन कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। यानी कि वायरस के अंदर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। चलिए अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, वायरस हमेशा इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इंट्रासेलुलर कहने का मतलब कोशिका के अंदर ही रहते हैं, और ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब होता है हमेशा किसी होस्ट सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल मीडियम यानी कि कृत्रिम माध्यम में कल्चर यानी संवर्धन नहीं किया जा सकता। आर्टिफिशियल मीडियम कहने का मतलब क्या होता है, कल्चर कहने का मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि हमको आर्टिफिशियली ग्रो कराना है तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उस ऑर्गेनिज्म को डालते हैं, और उसके लिए जितने भी रिक्वायरमेंट या फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो हम क्या करते हैं, उसमें अलग से सप्लाई करते हैं। बैक्टीरियल सेल की अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरियल सेल इन सभी फूड मटेरियल का क्या करता है, यूज करता है, और अपने नंबर को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया अपने नंबर को ग्रो कर रहा है, लेकिन वायरस को हम लोग किसी भी तरीके से कल्चर नहीं कर सकते, बिकॉज वायरस आर नॉट लिविंग एंड नॉट नॉन लिविंग, आपको मालूम है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, वायरस अत्यधिक इन्फेक्टेड होते हैं, दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा ये संक्रमित होते हैं, जिसमें से कुछ वायरस तेजी से रोग फैलाने की क्षमता रखते हैं। यानी कि जो बहुत सारे वायरस होते हैं, यानी कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन के तुरंत बाद डिजीज कॉज करना शुरू कर देते हैं और उसके सिम्टम्स हमको दिखाई देने लगते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा की बात करें, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है, इसके सिम्टम्स हमको जल्दी दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके सिम्टम्स बहुत सालों बाद पता चलते हैं, लाइक एचआईवी वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके सिम्टम्स अगर ये किसी पर्सन को होता है तो उसमें ये है या नहीं है, इसके सिम्टम्स तब पता चलते हैं जब उसका इम्यून सिस्टम खराब होने को हो जाता है। ठीक है, तो ये काफी खतरनाक वायरस है। अगला पॉइंट देखिए, एक मेंटेन टेम्परेचर पर, यानी कि जो एक तापक्रम है, एक निश्चित टेम्परेचर जो है उस पर वायरस होस्ट सेल में एक्टिव होकर,
यानी कि एक मेंटेन टेम्परेचर पर वायरस क्या करेगा, होस्ट सेल के अंदर एक्टिव होता है और डिजीज कॉज करता है, और उसके अंदर क्या करता है, डिजीज को कॉज करता है, तथा अधिकतर वायरस को 56 डिग्री सेल्सियस एंड 56 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 मिनट तक रखने पर यह इनएक्टिव हो जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जिनको हम 56 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितने मिनट तक, 30 मिनट तक रखेंगे और ये कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी डिजीज कॉज करने की क्षमता नहीं पाई जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, 9th, वायरस होस्ट स्पेसिफिसिटी वाले होते हैं। यानी कि होस्ट स्पेसिफिसिटी कहने का मतलब होता है ये एक अलग प्रकार या विशेष प्रकार के मतलब फीचर के द्वारा, फीचर के लेवल पर होते हैं, अर्थात यह लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पेशल स्पीसीज, अर्थात यह लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पेशल स्पीसीज को इन्फेक्ट करते हैं। वायरस हर किसी को इन्फेक्ट नहीं करता, ठीक है, ये ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है जिसके लिए वो बना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इनमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए अथवा आरएनए पाए जाने के कारण यह हैप्लॉइड यानी अगुणित होते हैं। अगर एक स्ट्रैंड यानी एक धागा डीएनए का या आरएनए का पाया जाएगा तो क्या होगा, ये कैसा होगा भाई साहब, ये हैप्लॉइड होगा, अगुणित होगा। आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड तो मालूम होगा भाई, 11th क्लास में आप लोगों ने सेल पढ़ी होगी और वहां पर सेल डिवीजन भी पढ़ा होगा, तो सेल डिवीजन में आपको ये मालूम होगा कि हैप्लॉइड सेल क्या होती है, डिप्लॉइड सेल क्या होती है। फिलहाल मुझे बताने का दरकार नहीं। अगला पॉइंट देखिए, वायरस एंटीजेनिक कैरेक्टर को शो करते हैं। यानी कि ये ऐसे वायरस होते हैं जो एंटीजेनिक कैरेक्टर, एंटीजेनिक कहने का मतलब एंटीजन को शो करता है, ठीक है, एवं इन पर एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट नहीं पड़ता, एवं इस पर क्या होता है, एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, वायरस यूवी रेज यूरिया हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये कुछ पदार्थ हैं, वायरस यूवी रेज यूरिया हाइड्रोजन परऑक्साइड आदि पदार्थों के द्वारा इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है कि वायरस को हम इनएक्टिव स्टेट में ला सकते हैं किसके द्वारा, यूवी रेज के द्वारा, यूरिया के द्वारा भी, यूरिया के माध्यम से भी हो सकता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड के भी द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इसको इनएक्टिव स्टेज में ला सकते हैं। तो ये हमारे जनरल करेक्टर्स हो गए बेटा। अब हम लोग जो इसका आगे देखेंगे कि वायरस के द्वारा प्लांट में जो डिजीजेज होती हैं, देखते हैं कि प्लांट में वायरस के द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने डिजीज लिखी हुई हैं जिन्हें आपको याद रखना है, ठीक है, और डेफिनेटली आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, यहाँ पर याद रखने का कोई वर्चस्व बनता नहीं। तो देखिए, प्लांट डिजीज ऑफ वायरस, और ये बेसिकली आप सिर्फ याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता नहीं है कभी कभी, हाँ नीट वगैरह में यदि आप एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज प्लांट में कौन कौन सी होती हैं, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आ सकता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो देखिए, वायरल डिजीज ऑफ टोमेटो, पहली जो डिजीज़ हमको देखनी है वो है टोमेटो में, दैट मीन टोमेटो माने टमाटर, टमाटर में जो वायरस के द्वारा डिजीज होती है वो कौन कौन सी होती है। देखिए, पहली जो डिजीज़ है वो टोमेको मोजेक है, ठीक है, दूसरी है लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, और तीसरी है टॉप कर्ल ऑफ टोमेटो। लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो कहने का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर जो लीफ है वो टोमेटो की क्या कर जाएगी, कर्ल कर जाएगी, घूम जाएगी, ठीक है ना, रोटेट कर जाएगी। टॉप कर्ल कहने का मतलब जो इसका अपेक्स होता है वो भी क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है। दूसरा है हमारा वायरल डिजीज ऑफ टोबैको, टोबैको कहने का मतलब तंबाकू, ठीक है ना, तंबाकू की जो लीफ होती है या तंबाकू का जो प्लांट होता है उसमें कौन कौन सा वायरस डिजीज होता है। तो देखिए, टोबैको मोजेक, टोबैको मोजेक जो है ये एक डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा होती है, ठीक है ना, टीएमवी वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, और क्या है, टोबैको नेक्रोसिस, ठीक है ना, टोबैको नेक्रोसिस, और एक रिंग स्पॉट ऑफ टोबैको, टोबैको की लीफ पर क्या होगा, रिंग स्पॉट पाए जाएंगे। चलिए इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, थर्ड डिजीज, वायरल डिजीज ऑफ मेज, जो मेज यानी मक्का, मक्का में जो डिजीज होती है वायरस के द्वारा वो कौन कौन सी होती है। तो मेज मोजेक और मेज स्ट्रीक, ये दो डिजीज यहाँ पर है जो आपको याद रखनी है। वायरल डिजीज ऑफ शुगर केन, शुगर केन कहने का मतलब गन्ना, जो हमारा गन्ना होता है जिसको हम लोग चूसते हैं, खाते हैं, इस समय नहीं हो रहा है। तो देखिए, इसमें कौन कौन सी डिजीज हो रही है, शुगर केन मोजेक, यानी कि शुगर केन मोजेक क्या है, और शुगर केन रॉटन स्टंटिंग, शुगर केन रॉटन स्टंटिंग, ये भी एक डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा होती है, और एक डिजीज है जिसका नाम है फिज डिजीज, ठीक है ना, ये कहाँ होती है, ये तीन प्रकार की जो डिजीजेज हैं ये हमारी होती है कहाँ, शुगर केन, ठीक है।
चलिए उसके बाद में हम लोग देखते हैं वायरल डिजीज ऑफ पोटेटो। पोटेटो कहने का मतलब आलू। आलू के अंदर कौन कौन सी डिजीज होती है, देखिए भाई, लीफ रोलिंग डिजीज ऑफ पोटेटो, ये भी आपको याद रखना है, और मोजेक ऑफ पोटेटो। फिर उसके बाद में देखिए वायरल डिजीज ऑफ वीट, गेहूं, गेहूं के अंदर कौन कौन सी डिजीज होती है, तो मोजेक ऑफ वीट, यानी कि जो वीट है, गेहूं है, उसकी फसल में मोजेक हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जो लीफ होगी वो शॉर्ट रह जाएगी, ठीक है, और ये काफ़ी इन्फेक्टेड हो जाएगा जिससे ये ख़राब हो जाती है। वायरल डिजीज ऑफ लडी फिंगर, यानी कि भिंडी की अगर हम लोग बात करें तो भिंडी में क्या होता है, भिंडी में आपने देखा होगा कि जो इसका वेन होता है वो येलो कलर का हो जाए। अगर येलो कलर का है तो डेफिनेटली इसने इसको क्या हुआ है, वायरस ने इन्फेक्ट किया है। तो येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, ठीक है ना, ये जो डिजीज होगी वो कौन सी होगी, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। चलिए लास्ट देखते हैं, वायरल डिजीज ऑफ पपाया, पपीते में कौन सा डिजीज होता है वायरस के कारण, तो पहला है लीफ कर्ल ऑफ पपाया, पपाया की जो लीफ होती है वो कर्ल कर जाए, रोटेट कर जाए, घूम जाए, और दूसरी है मोजेक ऑफ पपाया, ठीक है ना। तो ये हमारी है क्या, वायरस के द्वारा प्लांट में होने वाली